गुड मॉर्निंग क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर एट शेप्स पैटर्न एंड सैमेट्री सो बच्चों आप लोग इन सारे शेप से परिचित है आपको सब जानते हो ये शेप्स क्या है नाम क्या है, है ना एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे आप सबने क्लास सेकेंड में भी ये सारे शेप्स के नाम पहचानते हो ना उसमें भी पढ़ा है ना आपने चलिए एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं ये कौन सा शेप है ये है क्यूबाइट है ना इसको हम क्यूबाइट से मैच करेंगे ये क्या है कौन ऑलरेडी मैच है है ना ये क्या है ये है शेफर. ये क्यूब इसको क्यूब इसको से मैच कर देते हैं है ना और ये क्या है सिलेंडर बच्चों आपने अपने आसपास अपने घर में ये सारे शेप्स का कुछ ना कुछ देखा ही होगा है ना आपकी मम्मी पराठा बनाती है वो कैसा होता है वो ट्रैंगल शेप का होता है, है ना और क्यूबर्ड ये जो है ये क्या है शेफर है ना इस शेप का आपने क्या देखा है बताइए मम्मी की बिंदी गोल गोल होती है है ना और गेंद आपके पास बॉल होगी वो कैसी शेप की है ऐसे ही और आप डाइस से सांप सीढ़ी खेलते हो है ना वो कैसा शेप होता है वो एक क्यूब हो जैसा शेप होता है, है ना और ये सिलेंडर इस शेप का आपने क्या देखा है आपके घर में जल्दी से बताइए मुझे क्या होता है इस शेप का इस शेप का मम्मी का बेलन भी होता है उसमें यहाँ से दो डंडिया और होती है है ना और क्या होता है इस शेप का सिलेंडर शेप का क्या होता है हमारे घर में जल्दी से बताइए आपने ऐसा आपके घर में ब्लूटूथ तो नहीं है ब्लूटूथ डिवाइस वो इसी शेप का आता है ना और ये क्या है ये है क्यू इस शेप का आपने क्या देखा है आपके घर में माचिस देखी है क्या जिसमें जिससे हम गैस गेस ऑन करते हैं है ना वो बिल्कुल यही शेप की होती है ना और और क्या होता है शेप का कई घरों में पुरानी पेटियां भी होंगी वो भी इसी शेप की होती है ना ठीक है तो बच्चों आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर में आपने कौन कौन से शेप देखे हैं ओके और स्क्वायर शेप देखा है खिड़की देखी है अपने अपने घर में विंडो देखी है वो कौन सा शेप है वो स्क्वायर शेप की होती है और रेक्टेंगल शेप का क्या होता है बताइए आप सब दिन भर उसमें से अंदर बाहर होते हो जल्दी बताओ क्या है वो वो है आपका मेन डोर है ना डोर कैसा होता है वो एक रेक्टेंगल शेप का होता है ना ठीक है चलिए बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं पेज नंबर वन सिक्सटी फाइव निकालिए सब बच्चे एक्सरसाइज एट पॉइंट वन क्या दिया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन लुक एट द डॉट गिवन बिलो कंप्लीट द शेप टू मेक स्क्वायर्स रेक्टेंगल एंड शेफर्स बच्चों इन यहाँ पे आपको अधूरे अधूरे क्या बने दिए हैं शेप्स बने दिए हैं आपको उनको कंप्लीट करना है और डॉट से डॉट मिला मिला के कंप्लीट करना है ठीक है आपको क्या क्या बनाना है आपको बनाना है स्क्वायर रेक्टेंगल और शेफर ये सब बच्चे बना सकते हैं मैं एक आपको करके बताती हूँ रेक्टेंगल का बाकी सारे आप लोग को करना है ठीक है ये हमने डॉट टू डॉट मिलाया मैं थोड़ा सा आगे चलेगी गई ना डॉट टू डॉट मिलाया और हमने क्या बनाया हमने बनाया एक स्क्वायर है ना ऐसे ही आपको सारे शेप्स फिल कर ऐसे ही बनाना है ना कंप्लीट करना है ओके आगे बढ़ते हैं पेज नंबर वन सिक्सटी सिक्स निकालिए बच्चों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है आपको लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं इनको देखो है ना उसमें आपको क्या पूछा गया है उन सबको आपको फिल करना है ठीक है जैसे यहाँ पे एक ये बॉक्स दिया है अब बताइए ये किस शेप का है ये एक रेक्टेंगल शेप का है, है ना रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है ना इसके कितने फेस हैं कितने एज हैं कितने कॉर्नर हैं ये हमें बताना है ये सॉलिड शेप्स हैं बच्चों इसमें फेस भी होता है एज भी होता है और कॉर्नर भी होता है फेस क्या होता है ये देखिए वन और नीचे से भी होगा एक टू है ना थ्री फोर फाइव सिक्स कितने फेस हैं इसके सिक्स है ना एज कितने हैं अब एज का मतलब क्या होता है ये लाइन है ये दिख रही है ये है एज एजेस है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और उस तरफ भी होगी है ना इलेवन और ट्वेल्व कितनी एज है इसके टेल्व कॉर्नर कितने हैं बच्चों कॉर्नर क्या है ये रहा कॉर्नर ठीक है ये कॉर्नर है मैं जगह नहीं है मेरे पास तो मैं सिर्फ सी ओ लिख रही हूँ है ना डॉट लगा दिया ये कॉर्नर है बताइए कितने कॉर्नर हैं इसके चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक लास्ट में भी होगा है ना एट कितने कॉर्नर हैं इसके एट ओके okay. ऐसे ही आपको इसके बाकी के ऑब्जेक्ट के भी फेस कॉ एज और कॉर्नर बताना है ठीक है जैसे एक ये देखिए यहाँ पे एक बर्तन दिया गया है उसमें क्या भरा है पानी भरा है ना ये जो बर्तन है ये किस शेप का है जल्दी से बताइए ये एक सिलेंडर शेप का है, है ना सिलेंडर शेप है इसमें कितने फेस होते हैं एज होते हैं और कॉर्नर होते हैं जल्दी से बताइएगा <clears throat> बताइए वन है ना टू थ्री हम्म hmm. इसके सिक्स फेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना एज कितने हैं इसके वन वन टू इसके टू एज हैं ओके कॉर्नर ये एक सिलेंडर शेप है इसका कॉर्नर नहीं होते है ना ऐसे ही ये देखो सी नंबर पे क्या दिया है आपको एक कोन शेप दिया है ना कोन के कितने फेस होते हैं जल्दी बताइए टू फेस होते हैं इसके ठीक है और एज कितने होते हैं थ्री है ना वन टू थ्री कॉर्नर्स इसके कॉर्नर्स नहीं होते ठीक है बच्चों ऐसे ही सी डी uh, और ई e ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है ओके इसका क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे थैंक यू हैव हैवे नाइस डे